छात्र मेघना श्रीवास्तव टॉपर सीबीएसई 12th की हमारे साथ मौजूद हैं। मेघना, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद कर रही थी टॉप कर लेंगे आप। हेलो, आई एम सॉरी, क्लियर नहीं है। उम्मीद कर रही थी कि टॉपर बन जाएंगी। नॉट रियली, आई रियली, दिस इज बहुत ओवरवेलमिंग है मेरे लिए ये सब। तो ये एक नंबर कहाँ मिस हो गया? 500 में से 499 इंग्लिश में मिस हुआ। अच्छा, सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे जरा बताइए। सो मेरे पास इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो बाकी सब में 100 out of 100? यस। ग्रेट यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। अब जल्दी से ये बताइए कि पढ़ा कैसे, ये कमाल किया कैसे? थैंक यू सो मच। वेल, कुछ स्पेशल नहीं है, इट्स जस्ट पूरे साल हार्ड वर्क किया एंड देन आई गेस दिस इज द फाइनल रिवॉर्ड, जस्ट कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। तो बोर्ड्स के टाइम पर कुछ स्पेशल टाइम टेबल था जिसको फॉलो करती थी आप? Not really. I just used to write down the chapters I need to study every day. That's it. And acquaint myself to as many questions as I could. Meghna, history hame pata chala aapka favorite subject hai? Past year papers. History is my favorite subject. Yeah, sure. Yes, it is. It is. I really like it this year. Especially my teacher made it very interesting for me. हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 100 out of 100 लाना, तो आई आल्सो एंजॉय साइकोलॉजी अ लॉट, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू इन द फ्यूचर। जी, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री को उस तरीके से नहीं माना जाता है ना कि आपने 100 out of 100 उसमें हासिल कर लिए। ये कैसे किया आपने, बताइए जरा। आई नो, सो आई थिंक फॉर दैट आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू माई हिस्ट्री टीचर अनीता मैम। शी गेव अस लॉट्स ऑफ नोट्स, लॉट्स ऑफ मॉडल आंसर्स, एंड ऑल्सो आई डिड माई क्वेश्चन बैंक्स रियली मेटिक्यूलसली एंड कंसिस्टेंटली, एंड आई हैड अ बंडल ऑफ नोट्स एट द एंड ऑफ द ईयर विच आई हैड अक्यूमुलेटेड थ्रू आउट द ईयर। सो आई यूज दैट एंड देन आई गेस दैट्स वेयर द 100 केम फ्रॉम। अच्छा, अब आगे क्या करने की तैयारी है मेघना की? Well, I want to major in psychology, so that's the plan right now. और उसके बाद IAS? मैंने सोचा नहीं है उसके बारे में अभी। We'll see how college goes and how it is, and then I'll finally decide what I want to do in the future. It's too early to decide, I guess. मेघना, आप अपने सब्जेक्ट्स प्लीज रिपीट करेंगी क्या एक बार? या आई हैड इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। जी, तो घर में बात हो रही होगी, मम्मी पापा क्या चाहते हैं मेघना क्या बने? Well, you know, I'm very lucky to have parents who have given me that liberty to decide what I want to do in the future. So there was no pressure from their end for anything. तो अब celebrations के अच्छा क्या plan है, ये बता दीजिए आप। अभी तक तो I would say कोई plan नहीं है। This has been really overwhelming and I never knew कि ऐसा होगा। So I guess we'll decide in due time how to celebrate. And thank you so much. अच्छा, आपको पता कैसे चला कि आप टॉपर बनी हैं? आपको किसने इन्फॉर्म किया? खुद आपने चेक किया रिजल्ट? Well, I checked my result and at that time I really could not even look at the screen myself. It was my dad who spread out my result for me. But then when I got to know, it was, I guess I'll have to repeat, it was really overwhelming for me. And I guess it was the news which told me that I topped. My friends started sending me screenshots. So that's how I got to know, and then my teachers called me up. And yeah, that's how it was. जी, और फैमिली का क्या रिएक्शन था?
Even they were in shock, just like me. Expect नहीं कर रहे थे वो. Meghna ऐसा कितना घंटे पढ़ती थी कि family expect नहीं कर रही थी कि वो topper बनेगी. आप मुझे बताइए. There's too much restlessness going on outside. No, you know there are. I never counted the number of hours I studied. It was never like that. I made a schedule for what chapters I had to do, and depending on how much time each chapter took, that's how my days went. अच्छा आजकल तो social media जो है वो बड़ा distraction बन जाता है ना? Nobody expects to top a country. नहीं नहीं सही बात है. ये बताइए मुझे कि not really. As long as you can balance your time between social media. आपने कैसे balance किया? It's just, you know, it's just you have to do it. I mean, there's no way to do it. You have to balance between your time. Meghna, come on. So I really, well, thank you for calling. I really need to go now. चलिए हम समझ सकते हैं आपको जाना होगा. एक बार फिर से एबीपी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई मेघना. ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Thank you. Really. तो मेघना श्रीवास्तव सीबीएसई की 12th की टॉपर जो बता रही थी कि हर सब्जेक्ट में पूरे 100 नंबर उनको मिले हैं. एक नंबर जो कटा है वो इंग्लिश में कटा है उनका. टॉप किया है मेघना ने सीबीएसई 12th में. और संतुलन जो है इसे वो एक बड़ा गुर मान रही हैं अपने टॉप करने के पीछे कि संतुलन बनाना बहुत जरूरी है. इसी वजह से ये कामयाबी जो उन्होंने हासिल किया. ये है एबीपी न्यूज़. आपको रखे आगे.